और 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में बजट का हवाला देकर एक हफ्ते का समय मांगा है, कहा कि अभी बजट की तैयारियों में लगा हूं, उम्मीद है कि सीबीआई मेरे अनुरोध पर मानेगी, फरवरी अंत तक पूछताछ करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि जांच में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया को आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव को 2024 मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां लामबंद होना शुरू हो गई हैं। कल लेफ्ट के मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को खुला ऑफर दिया। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस जल्द फैसला करे, अगर हम सब मिल जाए तो बीजेपी 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने देना चाहिए। विपक्षी एकजुटता को सलमान खुर्शीद बोले, पार्टी में रखेंगे बात, पहले कौन कहेगा आई लव यू। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कानून व्यवस्था पर पंजाब सीएम भगवंत मान का ट्वीट। मान ने कहा कि कम समय में पंजाब की कानून व्यवस्था पर काम किया है, पंजाब में आपराधिक मामलों में सुधार देखने को मिला है। मान ने कहा कि एनसीबी की रिपोर्ट्स में आपराधिक सुधार देखने को मिला है, अब पंजाब में सिर्फ कानून का राज चलेगा। मान के ट्वीट के बाद सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि ईमानदार सरकार बनाने का फल अब पंजाबियों को मिलने लगा है। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा के सोनीपत में आज किसानों की महापंचायत है। महापंचायत खरखौली पीपली टोक नाके पर होगी। महापंचायत में हरियाणा पंजाब के किसान बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे किसान, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को उठाने की मांग करेंगे किसान। किसानों ने सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों को मुख्यमंत्री के खिलाफ मेमोरेंडम दिया है। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज छत्रपति शिवाजी की 393वीं जयंती है। उद्धव और शिंदे गुट अपने कार्यक्रम के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएसटी हवाई अड्डे पर बने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बीजेपी 227 वार्डों में जयंती मना रही है। शिवाजी महाराज की जयंती के जरिए बीजेपी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज तीसरा दिन है। अमित शाह शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो श्री मां लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन कर छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहूजी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। शाम 5 बजे कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह नागपुर और पुणे में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की है। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के मिशन कर्नाटक पर हैं, जहां वो चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। संगठन की बैठक के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान नड्डा मंगलौर भी जाएंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के दौरान नड्डा उडुपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। चिकमंगलूर में नड्डा बाइक रैली में हिस्सा लेंगे। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के भरतपुर में जनसभा के बाद जुनैद नासिर के परिजनों से मिले ओवैसी। मुलाकात के बाद ओवैसी एक बार फिर हरियाणा और राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे। कहा, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है, गुंडों को बचा रही है बीजेपी। आपको बता दें कि ओवैसी आज भी राजस्थान में है, टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, भूकंप प्रभावित तुर्की से सफल ऑपरेशन के बाद भारत लौटी एनडीआरएफ की टीम। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जोरदार स्वागत हुआ। इस टीम में डॉग स्क्वाड के 6 डॉग भी शामिल थे जो लौट आए हैं। तुर्की में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भूकंप से तबाह तुर्की में एनडीआरएफ द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहना हो रही है। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, धमाके से दहली सीरिया की राजधानी दमिश्क। इसराइल ने आज तड़के मिसाइल अटैक किया। इसराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है।